लोकसभा के संपूर्ण नागरिकों को मैं बधाई देता हूं कि उन लोगों ने मेरे जैसे गरीब आदमी को इस पार्लियामेंट में दोबारा भेजा मेरे खिलाफ, मेरे खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के नेता और प्रदेश के नेता आए। लेकिन उसके बाद भी मैंने आप लोगों से पहले कह रहा हूं कि हमारे पास संसाधन कम, लेकिन हमारी लड़ाई आप जनता लड़ रही थी, सलेमपुर लोकसभा के नागरिक लड़ रहे थे, इसलिए इतने कड़े संघर्ष के बाद मुझे जीतना पड़ा। अगर भारतीय जनता पार्टी ने संबल का प्रयोग दो दिन पहले नहीं किया होता तो मैं 5,500 से जीता। मैं सलेमपुर लोकसभा के नागरिकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया, और अपने राजभर समाज को भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने साबित कर दिया कि राजभर समाज का नेता रमाशंकर राजभर। कितने भावुक हो गए, कारण क्या रहा? इतना थक गया हूं 1.5 महीने में, और 5 बजे वोट से निकला। एक बार सलेमपुर से आप सांसद भी रह चुके हैं, आगे आपका क्या, कैसे आप जनता के बीच में क्या सलेमपुर लोकसभा की जनता की ये के लिए जो कर सके। सबसे पहले तो मैं सलेमपुर के लोकसभा की आवाज बनकर पार्लियामेंट में गूंजेगी, या आपको मैं भरोसा देता हूँ, क्योंकि 10 वर्षों से सलेमपुर मूक हो गया था, सलेमपुर लोकसभा में मूक हो गई। दूसरी भी बात करना चाहता हूँ कि जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो संसाधनों की कमी है, समाजवादी पार्टी की सरकार में बहुत ज्यादा संसाधन हॉस्पिटल बने, चाहे वो सुखपुरा का हॉस्पिटल हो, चाहे मीडिया वाले भाई वहाँ जाकर पटली दिया था, और इस बार रविंद्र कुशवाहा को आपने पटली दिया है, इस जीत को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, माननीय सांसद रविंद्र कुशवाहा जी के पिताजी के हम चेला, और स्वर्गीय हरकेवल कुशवाहा जी एक दिन सपने में आए थे और कहे थे कि मैं इस 2024 के चुनाव में, रमाशंकर तुम मेरे चेले हो, मैं इस बार चेला के साथ हूँ, अपने बेटा के साथ नहीं हूँ, इसीलिए मैं चुनाव जीता हूँ। उनका भी आशीर्वाद मुझे मिला है। अच्छा, क्या चुनौती?